के कासगंज में अवैध शराब के कारोबार पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमले को लेकर कार्रवाई तेज, पुलिस की कई टीमें तैनात। शराब माफियाओं ने बंधक बनाकर पुलिस वालों को बुरी तरह से पीटा, हमले में दारोगा गंभीर रूप से जख्मी। खेतों में लहूलुहान हालत में मिले दारोगा अशोक भारी, पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद। सिपुरा इलाके के नगला दीवर गांव में हुआ हमला, कच्ची शराब बनाने के लिए कुख्यात है इलाका। चंद घंटे के अंदर पुलिस को कामयाबी, सिपाही की हत्या का लिया बदला, मुठभेड़ में मुख्य आरोपी का भाई मार गिराया। हमलावर मुख्य आरोपी शराब तस्कर मोती धीमर अभी भी फरार, उसे पकड़ने के लगातार पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी। लखनऊ से एसटीएफ टीम भी कासगंज पहुंची, पुलिस टीम पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्ती। हमले में शहीद पुलिस वाले की अंतिम विदाई, पुलिस लाइन में दी गई श्रद्धांजलि। हमले में मारे गए सिपाही देवेंद्र सिंह के घर मातम, परिवार में माता पिता बहन पत्नी और दो बेटियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतक पुलिस वाले के परिवार के प्रति जताई संवेदना, 50 लाख का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी देने का ऐलान। लाल किले में उपद्रव का एक और आरोपी इकबाल सिंह गिरफ्तार, 50,000 का था इनाम। स्पेशल सेल ने इकबाल सिंह को होशियारपुर से पकड़ा, लुधियाना का है रहने वाला, हंगामे के वक्त लाल किले से कर रहा था फेसबुक लाइव। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, एक घुसपैठिए को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के तंगधार में पाकिस्तान ने किया सीज फायर उल्लंघन, सेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब। मुंबई के अंधेरी वेस्ट में सिलेंडर के गोदाम में भीषण आग, कई धमाके भी सुने गए। चमोली हादसे का एक नया वीडियो सामने आया, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट में 7 फरवरी को तबाही की दिखी तस्वीर। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट पर सैलाब का कहर टूटा तो जान बचाकर भागे लोग, मची चीख पुकार। चमोली हादसे में लगातार चौथे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन, अब तक 32 शव बरामद, 172 लोगों की खोज अभी भी जारी। तपोवन में टनल के अंदर ड्रोन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन, बचाव दल दिन रात जिंदगी बचाने में जुटा। आईटीबीपी के जवान टनल के अंदर तक पहुंचने की कोशिश में जुटे, अंधेरे और कीचड़ की वजह से संकट। आपदा में सबसे ज्यादा प्रभावित रैनी और लाता गांव का सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया दौरा, गायब लोगों के परिजनों से की मुलाकात। तपोवन इलाके में जारी है मोबाइल सेवा बहाल करने की कोशिश, ड्रोन की ली जा रही मदद। पीड़ितों को राहत और खाना पहुंचाने में जुटे आईटीबीपी के जवान, तबाही के बाद से कई गांवों का कट चुका है संपर्क। जम्मू की ताजदी में शिमला के रहने वाले 5 कर्मचारी लापता, उनकी खोज में जोशीमठ पहुंचे परिजन। देवरिया का रहने वाला संतोष यादव भी चमोली हादसे के बाद से गायब, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। आज सुबह पश्चिमी मिदनापुर में चाय पे चर्चा का कार्यक्रम, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल, दिलीप घोष भी रहे साथ। जेपी नड्डा ने चाय पे चर्चा के दौरान कहा, पीएम मोदी ने बंगाल में रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए दिए हैं 4700 करोड़ रुपए, हाईवे के लिए 25,000 करोड़ रुपए। 11 फरवरी को बंगाल दौरे पर जा रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह, कूचबिहार में परिवर्तन यात्रा के चौथे चरण की करेंगे शुरुआत। वर्धमान के माटी उत्सव में शामिल हुए सीएम ममता बनर्जी, मंच से बीजेपी पर किया पलटवार, बताया बाहरी पार्टी। दिल्ली में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में लगाया जय श्री राम का नारा, कहा भगवा कपड़ों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का एकाधिकार नहीं। देहरादून पहुंची कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, पंचायत से पहले शकुंभरा देवी मंदिर जाने का कार्यक्रम। शकुंभरी देवी के दर्शन के बाद रायपुर खानकाह आने का कार्यक्रम, रायपुर खानकाह की आजादी में भी अहम भूमिका। प्रियंका के दौरे से पहले सहारनपुर प्रशासन ने 5 अप्रैल तक धारा 144 लगाया, बगैर अनुमति जुलूस और सभा की इजाजत नहीं। आज बुलंदशहर में कृषि कानून के खिलाफ किसानों की महापंचायत, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी शामिल। करनाल में बस्ताड़ा टोल प्लाजा पहुंचे राकेश टिकैत का बयान, अगर भगत सिंह आंदोलन जीवी थे तो हम भी हैं। राज्यसभा में उठा पेट्रोल महंगा होने का मुद्दा, टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने कहा सरकार घटाई कीमत। जवाब में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले 90% रेट पर सरकार का दखल नहीं।
समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने राज्यसभा में श्रमिकों की नौकरी जाने का उठाया मुद्दा। मंत्री संतोष गंगवार बोले सरकार बना रही मैकेनिज्म। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया। एलएसी पर वीके सिंह के बयान पर जताई नाराजगी। बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने संभाली नए पद की जिम्मेदारी। कहा 25 साल तक बिहार में रहेगी हमारी सरकार। दिल्ली में 18 फरवरी से नर्सरी क्लास के दाखिले शुरू होंगे। 4 मार्च 2021 तक रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख। पंचायत चुनाव को लेकर यूपी के सभी जिलों में लागू हो सकेगा एक समान आरक्षण। नई आरक्षण नियमावली को सरकार की मंजूरी। अयोध्या को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने में जुटी सरकार। विकास के लिए कैनेडा की कंपनी एलए एसोसिएट्स होगी कंसल्टेंसी एजेंसी। राम मंदिर की भव्यता के लिए यूपी सरकार की पहल। 3 कंपनियों से करार। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने झांसी में स्वच्छता अभियान में लगाया झाड़ू। दिया सफाई का संदेश। पंजाब नगर निगम चुनाव में खूनी झड़प। मोगा में अकाली कांग्रेसियों से झगड़े में 2 अकाली कार्यकर्ताओं की मौत। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को फिर जान से मारने की धमकी वाला ईमेल आया सामने। ईमेल करने वाले का सुराग नहीं। वाराणसी में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष को दबंग ने पूरी तरह से पीटा। वीडियो वायरल। आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। अयोध्या में सौंदर्यकरण के काम में बड़ी लापरवाही। नदी में बह गया राम की पैड़ी पर बना प्लेटफॉर्म। में महाकाल की भस्म आरती में शिवरात्रि के बाद शुरू होगी श्रद्धालुओं की एंट्री। शयन आरती में मौजूद रहेंगे भक्त। सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स केस में एनसीबी जल्द फाइल करेगी चार्जशीट। ईडी ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट एनसीबी को सौंपी। वडोदरा के एक अस्पताल में मरीज के परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए डॉक्टर से की मारपीट। आरोपी गिरफ्तार। बिहार के आरा में खाना बनाने के दौरान लगी आग। 3 लोग घायल। सिलेंडर फटने की आशंका। यूपी के जालौन में दर्दनाक सड़क हादसा। 2 बाइक पर सवार 3 लोगों की मौत। कोकराझार पुलिस को बड़ी कामयाबी। एक जंगल से सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में हथियार बरामद। देश में कम हुई कोरोना की स्पीड। पिछले 24 घंटे में सामने आए 11,000 से ज्यादा नए मामले। 24 घंटे में कोरोना के 94 लोगों की मौत। एक्टिव केस 1,41,000 से ज्यादा। कोरोना को लेकर दिल्ली के लिए राहत की खबर। करीब 10 महीने बाद वायरस से एक भी मौत नहीं। नए संक्रमितों की संख्या 100। आज यूपी में खुले क्लास 6th और 8th के स्कूल। बच्चों के अभिभावकों की मंजूरी जरूरी। बेसिक शिक्षा विभाग ने रोटेशन का क्रम जारी किया। सप्ताह में 2 दिन ही 1 कक्षा के बच्चों को आना है स्कूल। छिंदवाड़ा में सड़क दुर्घटना की तस्वीर कैमरे में कैद। कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत। गोपालगंज पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अपहृत छात्र को किया बरामद। हथियार समेत 6 अपहरणकर्ता भी गिरफ्तार। बुलंदशहर में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश घायल। हरदोई में जमीन के लालच में बेटों ने पिता को मारी गोली। गंभीर हालत में लखनऊ में भर्ती। यूपी के रामपुर में 1 किलो ड्रग्स बरामद। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के प्रतापगढ़ में हाईवे पर लूटपाट करने वाले गिरोह और पुलिस में मुठभेड़। 3 बदमाशों को लगी गोली। 4 गिरफ्तार। आधी रात को हाईवे पर व्यापारियों को लूटते थे आरोपी। प्रतापगढ़ पुलिस ने मौके से कार, पिकअप, 2 तमंचा बरामद किया। कन्नौज में गोली लगने से 12 साल के दिव्यांग बच्चे की मौत। परिजनों ने 5 साल पहले के विवाद को लेकर लगाया हत्या का आरोप। छिंदवाड़ा में दुकान से कब्जा हटाने के दौरान बवाल। 2 पक्षों में झड़प। मध्य प्रदेश के सतना में डंपर से टकराई कार। 3 लोगों की मौत।
निकालने के लिए। मॉड्यूलर मिल परिसर में भीषण आग से तबाही, हादसे की वजह साफ नहीं। यूपी के झांसी में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली। सवाईमाधोपुर में 4 फरवरी को हुए अनिल गुप्ता हत्याकांड में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका। वडोदरा में ट्रेन यात्रियों को नशीली चीज पिलाकर लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार, 7 लाख के सामान बरामद। बिजनौरा में 25,000 के इनामी बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, एक जख्मी। रांची में बीजेपी नेता और आरडीए के पूर्व चेयरमैन के आवास पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी, आय व्यय से जुड़े दस्तावेजों की जांच। धम्बौर राष्ट्रीय उद्यान में शावक के साथ दिखी बाघिन, बच्चे की लगातार मॉनिटरिंग जारी। जूनागढ़ के होटल में घुसाया शेर, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीर, रिहायशी इलाके में मचा हड़कंप। पाली में प्रदूषित पानी की वजह से जली जमीन, एनजीटी के आदेश पर गठित कमेटी जांच के लिए पहुंची। गुलमर्ग में कराटे चैंपियनशिप का आयोजन, शून्य से कम तापमान में खेलना अलग चुनौती। दिल्ली सिटी नोएडा में करीब 18 लाख के नकली नोट बरामद, 2 लोगों को पुलिस ने दबोचा। सीकर जयपुर हाईवे पर एक कारोबारी की मौत के बाद बवाल, अतिक्रमण हटाने के विरोध में लोगों ने लगाया जाम। बाराबंकी में एसपी ने किया था निरीक्षण, सुस्त पुलिसिंग को लेकर 4 पुलिसकर्मियों को लगवाए थाने के चक्कर।